हे गाइज, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बने होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही कि अपने टू फोन आने पर फोटो कैसे सेट करते हैं और कॉलर जब फोन करते हैं तभी फोटो कैसे फोटो सेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से भी स्किप मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आए और आपका जो फोटो शूट नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से भी स्किप ना करें और एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले प्ले स्टोर में आना है। एक ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है, आप सभी को बता दूँ यहाँ पर, माई फोन फोटो डायलर। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ थोड़ा देर वेट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर माई फोटो एडिटिंग यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो आप भी ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम MB का है, 6.3 MB का है। तो देखते हैं डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा देर वेट करते हैं डाउनलोड होने के लिए। तो थोड़ा देर वेट ही कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही ये मेरा ओपन हो जाए उसके बाद मैं आप सभी को आगे का प्रोसेसर बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो चुका है। इंस्टॉलिंग होने के बाद आपको दोस्तों सिंपल से यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल से सबको यहाँ पर जो अलाउ बोल रहा है करने को, यहाँ पर आपको सेटिंग वो करना होगा। चलिए यहाँ पर सेटिंग वो कर लेते हैं। आपको ऐसे भी सेटिंग कर लेना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप परमिशन मांगेंगे तो आपको ये परमिशन देना होगा दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको भी अलाउ कर देता हूँ। आपको सबको अलाउ कर देना है दोस्तों। यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ, अलाउ। सबको अलाउ करने के बाद सिंपल से दोस्तों आपको यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। उसके बाद एक ऐड आएगा दोस्तों, तो आपको उस ऐड को देख लेना है। थोड़ा सा ऐड को देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जैसे ही ऐड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलर में पहले फ़ोटो सेट कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉलर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ऊपर के साइड में आपको दिखेगा दोस्तों बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिक इमेज पर क्लिक कर दीजिएगा। पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पिक इमेज, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जिस फ़ोटो को आप लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक वीडियो फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा ही फ़ोटो है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप भी ऐसे आराम से सेट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल अप्लाइड। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर एक ऐड आएगा, तो आप इस ऐड को कट कर देना है। ऐड कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोन आने पर ऐसा शो होगा दोस्तों। तो और आगे की प्रोसेसर मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर कट कर देते हैं। कट करने के बाद आपको यहाँ से फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आप डायलर में आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। डायलर में सेलेक्ट करने के लिए फिर से आपको ऐड को कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको दोस्तों बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिक इमेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको पिक इमेज पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर से जो फ़ोटो सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपना ही फ़ोटो। तो मैं इसे अपने से हिसाब से सेट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर फिर अप्लाई के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल अप्लाइड। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से फिर को इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डायलर में कितना अच्छा शो हो रहा है। अब चलिए मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। कट कर दिया और चलते हैं अपने कॉल फोनर में। तो देख, तो मैं आ गया अपने कॉलर फोनर में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा शो हो रहा है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आप सभी को इधर दिखा दूँ, यहाँ पर फ़ोन ओन दिखाएगा आपको, बहुत अच्छा अच्छा लगेगा दोस्तों।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।